इबादत की हकीकत है मोहब्बत में फना होना, शहादत की हकीकत है फना होकर बका होना। हम हजूर से प्यार करते हैं तो मोहब्बत करने वाला हर उस चीज से मोहब्बत करता है महबूब को जिस जिस चीज से मोहब्बत होती है। महबूब की हर चीज से मोहब्बत की जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कद्दू शरीफ पसंद है ना, है ये सब्जी, तो कद्दू को कद्दू शरीफ कहते हैं। सब्जियों को शरीफ नहीं कहा जाता मगर हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? मेरे आका को कद्दू शरीफ पसंद था। इमाम अबू यूसुफ रदी अल्लाह तआला जो फिका के बहुत बड़े इमाम हैं और इमाम आजम अबू हनीफा के शगीद रशीद हैं, आपकी मजलिस थी और आपकी मजलिस में आपने फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बड़ा पसंद था। एक शख्स ने कहा मुझे तो नहीं पसंद। फरमाया तू काफिर हो गया। तजदीद ईमान कर, तू दारे इस्लाम से खारिज है। क्योंकि महबूब की पसंद को ना पसंद कहना ये कुफर है। मेरे आका को अपनी अजवाज बड़ी पसंद है। अजवाज पसंद, औलाद पसंद, असहाब पसंद, नस्ल पसंद, कद्दू शरीफ पसंद, अमीरे मुआविया पसंद, सिद्दीक अकबर पसंद, फारूक आजम पसंद, उस्माने गनी पसंद, मौला अली पसंद, तलहा जुबैर पसंद, अम्मा आयशा पसंद, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला हो, करबला मोल्ला जिस जगह पे तशरीफ फरमा है उससे दाएं बाएं आगे पीछे 30-30 मील तक जितने भी लोग दफन होते हैं करबला मोल्ला के शुहादा और हसूसन हुसैन की शहादत का सदका और उस जगह की अजमत का सदका सारे के सारे जन्नती हैं। मैंने कहा मानता हूँ जहाँ हुसैन आका दफन है इर्द गिर्द दाएं बाएं यमीन यसार राइट लेफ्ट सारे जन्नती हैं। ये तो बाहर दफन है ना, करबला मोहल्ला में 30-30 मील। तुम भी तो मानो ना, अबू बकर उमर गुंबद-ए-खजरा के अंदर दफन है।